नमस्कार दोस्तों, टावर लाइन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि ठीक ही होंगे आप सब। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों का लास्ट पुलिंग है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों देखिए टेंशनर मशीन चल रहा है। देखिए दोस्तों, चार टावर का रिच का आज लास्ट फेस जा रहा है। दोस्तों लास्ट पुलिंग है, देखिए आप लोग, दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, और आगे जाएंगे तो मशीन का आवाज़ से मेरा आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दूर में ही हूँ। देखिए दोस्तों, ये 400 क्वाड लाइन है। दोस्तों एक फेस में चार तार रहता है, देखिए चार तार जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, कितना बढ़िया हाविस हो रहा है, कितना अच्छा से पुलर हाविस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, चार टावर के आगे उधर कूलर बैठा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कूलर का भी पुलिंग दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। हमारा चैनल में बने रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों देखिए दोस्तों, मशीन का कितना बेहतरीन आवाज़ है, बढ़िया है। देखिए दोस्तों, देखिए ड्राम कितना बढ़िया घूम रहा है। देखिए दोस्तों, मशीन का पूरा फंक्शन दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये अपना लीवर है, ये लोड का चाबी है दोस्तों, ये पुलिंग मोड का बटन है। देखिए दोस्तों, मीटर में लोड बताता है। दोस्तों देखिए, सामने से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, मशीन का आवाज़ से हमारा आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ता होगा। दोस्तों देखिए मशीन का इंजन, देखिए दोस्तों ये टेंशनर जैक का टेंशनर है दोस्तों, चार तार का, इससे बड़ा भी मशीन होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को, और इससे छोटा भी होता है दोस्तों, बहुत प्रकार का मशीन होता है दोस्तों। फिलहाल अभी हम लोगों के पास यही मशीन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पुलर में अभी पायलट जॉइंट पास हो रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हाविस कर रहा है पुलर। देखिए पुलर कैसे चलता है, पुलर कैसे हाविस होता है, वो भी दिखाएंगे दोस्तों वीडियो में, अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अब हेडबोर्ड पार हो रहा है, इसलिए पुलर धीरे किया है। जब हेडबोर्ड टावर क्रॉस करता है तो थोड़ा धीरे कर देते हैं दोस्तों, ताकि टावर में लोड ना आए और हेडबोर्ड साइड ना मारे, इसलिए थोड़ा धीरे कर देते हैं। देख सकते हैं विंच थोड़ा स्लो हो गया है, हेडबोर्ड पार हो रहा है रोलर से। देखिए ये हॉकी टॉकी है दोस्तों, हॉकी टॉकी में बोल रहे हैं, एक लड़का गए हैं हमारे साथी हेडबोर्ड के साथ, वो बोल रहे हैं कि रोलर में बैठ गया है। देखिए बोल दिए, रोलर पास हो गया। देखिए दोस्तों ये हॉकी टॉकी है, देख सकते हैं आप लोग, हेडबोर्ड पास हो गया, हॉकी टॉकी में बोल दिया, आप लोग भी सुन पा रहे होंगे कभी कभी हॉकी टॉकी का आवाज। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, हेडबोर्ड पार हो गया है हम लोगों का। देखिए स्पीड बढ़ा दिए हैं अब कूलर वाले। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, कितना बढ़िया हाविस हो रहा है।
देखिए दोस्तों, चार तार को एक ही साथ हाबिस कर दे रहा है, खींच दे रहा है पुलर। पुलर कैसे हाबिस करता है, पायलट वायर कैसे भरते हैं, वीडियो का लास्ट में वो भी दिखाएंगे दोस्तों। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कूलर हाबिस कर रहा है उधर। देखिए ये आगे का जैक है दोस्तों, आगे का सपोर्ट, ताकि मशीन आगे घसक के ना चला जाए, इसलिए इसको आगे डॉन करके रखे हैं दोस्तों। आगे का जैक है। देखिए दोस्तों, हॉकी में आवाज आया होगा, अब लास्ट टावर पास कर रहा है, चौथा टावर पास हो रहा है दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे कूलर हाबिस कर रहा है। देखिए, और ये पीछे का जैक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये मशीन का बाइक स्ट्रेट है दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, ये मशीन का बाइक स्ट्रेट है। देखिए दो बाइक स्टिक लगा के रखा हूँ, ताकि पुलर खींचने के बाद, लोड पड़ने के बाद आगे ना जाए मशीन, इसके लिए हम लोग बाइक स्टिक लगा के रखा हूँ दोस्तों। देखिए हाँ, तो दोस्तों देखिए कूलर के पास पहुँच गया हूँ दोस्तों। देखिए ले ले, आप इसके कूलिंग करने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। देखिए दोस्तों, देखिए कूलर हाबिस कर रहा है दोस्तों, वो जो पकड़ के रखे हैं वो कवर में लगा के रिमोट है, साथ ही हमारे साथ कूलर यही ऑपरेटिंग करते हैं, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये हमारे साथी लोग हैं। देखिए ये कूलर का विंच है दोस्तों, कूलर में भी हम लोग बाइक स्टिक लगाया हुआ है, आपको स्टिक दिखता होगा, कूलर में लोड पड़े तो कूलर आगे ना चला जाए। इसका भी आगे का जैक देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक जैक है वो। पीछे का जैक देखिए, पीछे का मैनुअल जैक है, जैक में भी हम लोग लोड दिया हुआ है दोस्तों। देखिए पायलट वायर है दोस्तों, हमारे साथ के लोग पायलट वायर को लूप मार रहे हैं, हम लोग इसको बोबिन में भी लगाते हैं दोस्तों। बोबिन में लगाने से फिर उसको दूसरा केस में हम लोग खींचने के लिए फिर उसको लूप खोलना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत है, इसलिए इसको सीधा लूप मरवाते हैं। देखिए साथी लोग लूप मार रहे हैं सीधा, फिर उसको खींचने के लिए मैट्रेस के लिए ईजी होता है थोड़ा। देखिए सीधा खींच देते हैं, टेंशनर कूलर का प्रोसेस यही है दोस्तों, टेंशनर कूलर से कूलिंग करने का। देखिए पहले ब्लॉक कर दी, ये पहले ब्लॉक पावर से मैंने कहा दोस्तों, ये पैलेट वायर, एक ही पैलेट वायर चारों तार को खींच के ले आता है, ये बहुत कैपेसिटी का रहता है दोस्तों, इसमें बहुत ताकत रहता है, चारों तार को खींच के ले आता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग,